महाशिवरात्रि पर बेटमा नगर व क्षेत्र के शिवालय हर हर महादेव के नारों से गूंज उठे। अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का रेला शिव मंदिरों की ओर कूच करता हुआ दिखाई दिया। दूध, बेलपत्र, धतूरे के पत्ते और हाथों में जल लेकर श्रद्धालु शिवालयों में जलाभिषेक के लिए कतार में खड़े रहे। वहीं देर रात तक शिव मंदिरों में भक्तों की आवाजाही बनी रही। नगर के अमन चमन टेकरी रोड पर स्थित प्रमुख प्राचीन कुंडेश्वर महादेव मंदिर में हजारों की भीड़ उमड़ी। यहां सारा दिन लोगों की आवाजाही होती रही, जिसके लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया। नगर के थाना परिसर स्थित वटकेश्वर महादेव मंदिर सहित सभी शिवालयों में भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर पूजन अर्चन किया। नगर के हर शिवालय पुष्पों, गुब्बारों व विशेष लाइटों से सजाए गए थे। मंदिरों में आरती पश्चात खिचड़ी, खीर, ठंडाई लड्डू व अन्य प्रसादी का वितरण किया गया, जिसके लिए भक्तों में होड़ मची रही। वहीं शिव भजनों पर युवा व भक्तों ने खूब नृत्य किया। सुबह विशाल शिव बारात निकाली गई, जिसमें आसपास के ग्रामीण इलाकों से लोगों का जमावड़ा लगा। जगह जगह बारात पर पुष्पा वर्षा हुई। समीपस्थ गांव घाटा बिल्लौद में शिवरात्रि पर होने वाले मेले में भी भारी भीड़ देखने को मिली। आज मीठी बावड़ी बालाजी मंदिर पर शिव मंदिर के उपरांत बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया एवं हरियाली वितरण किया गया एवं ठंडाई वितरण किया गया। साथ ही भक्तों का तांता यहां प्रातः से लेकर अभी तक लगा हुआ है। जोर शोर और हर्ष और उल्लास के साथ यह कार्यक्रम भगवान शिव का संपन्न हुआ। नगर को धन्यवाद। हाल ही में शिव शंकर के महाशिवरात्रि के पर्व में नगर बैठना के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा प्रातः से शिव बारात में और विभिन्न शिवालयों में जो वहाँ की समितियों ने, कर्मचारियों ने, बैठना के नगरवासी ने सहयोग किया और पुलिस के साथ मिलकर एक अच्छा वातावरण निर्मित किया, सबसे मिलते बहुत अच्छी कार्य हुआ है। नगर को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेटमा के समीप घाटा बिल्लौद में एक महाशिवरात्रि के पावन पर्व बहुत ही अच्छा मेला लगता है। हमारे यहाँ कुछ यहाँ से बाहर से आई हुई कुछ लड़कियाँ हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उनको मेले में आकर कितना आनंद आ रहा और क्या अच्छा लगा। आइए, आप क्या नाम है आपका? पूजा। कहाँ से आई पूजा? मेघवाड़ा से। 2 साल से कोरोना की वजह से यहाँ मेले का आयोजन नहीं हो रहा था और अब ये हुआ है, तो इसको लेकर के आपको क्या हो सकते हैं, क्या खुशी हुई या क्या अच्छा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? मेले में आप 2 साल से नहीं आ पा रहे थे कोरोना की वजह से, लेकिन अब आए हैं आप, तो यहाँ आने के बाद आपने क्या चीज़ खरीदी, क्या खाया, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा आपको? तो आप ये मेले का आयोजन जो हर साल होता है, लेकिन अभी 2 साल से कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहा था, आप देख सकते हैं भीड़े लोग मेले का आनंद लेते हैं, तो ये आनंद 2 साल के बाद यहाँ के लोगों को देखने को मिल रहा है। गुड न्यूज़ के लिए राजेश।